वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है, और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। मोदी सर, हमारे देश में एक नया कानून पास हुई है ड्राइवरों के लिए, लेकिन ड्राइवर इसमें नाराज है जिसके लिए वो स्ट्राइक पे जा रहे, अपने ट्रक रास्तों में छोड़ के घर जा रहे। नया कानून के हिसाब से अगर एक ड्राइवर किसी को मार के चला जाए तो 5 लाख का जरिमाना और 10 साल तक जेल हो सकता है। ड्राइवर का कहना यह है कि अगर हमारा गलती भी नहीं हुआ तो भी क्या हमें यह जेल होगा और ये जरिमाना भी होगा, हमारा तो इनकम ही नहीं होता इतना, तो ये हम दे कहां से, और 10 साल के लिए जेल भी जाए तो हमारी परिवार कौन दिखेगा। और एक भी प्रॉब्लम है, ये टोल टैक्स फास्टैग लगाने के बावजूद भी घंटे तक लाइन पे खड़ा होना पड़ता है, उसके बाद ये टोल वालों जबरदस्ती करता है, एक्स्ट्रा पैसा लेता है, ट्रैफिक पुलिस वालों भी बदतमीजी करते हैं ट्रक ड्राइवरों के साथ। ये हम सबको मालूम है, ट्रैफिक पुलिस वालों और आरटीओ वालों टोल टैक्स वालों अलग से पैसा लेता है, पुलिस वालों की तो आम बात है रिश्वत लेना गाड़ी रुका के सड़कों के बीच में, तो ये सबसे परेशान है ड्राइवर वालों। ऊपर से ये कानून लेके आए तो इसलिए सारे ड्राइवर लोग नाराज हो गए, अभी हाईवे के ऊपर गाड़ी छोड़ के जा रहे, कितने ने तो अपने ड्राइविंग लाइसेंस तक फाड़ दिए। इन लोगों का कहना एक्सीडेंट होने के बाद हम अगर ये जगह में रह गए तो हमारी गाड़ी जलाया जाता है, उसके बाद हमें भी मारे जाते हैं, तो अगर उसके बावजूद भी हम उधर रुके तो हमारा गारंटी कौन लेगा, हमारी सेफ्टी का क्या है। और गवर्नमेंट भी कुछ भी कानून बना रहे, एक तो ऑपोजिशन का सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे सस्पेंड कर दिए, तो अभी जो मन चाहे कानून पास कर रहे और लोगों को पसंद भी नहीं आ रही है। अगर ये कानून सही है तो देश की मीडिया का जिम्मेदारी है कि लोगों तक सही तरीके से पहुंचाए। अगर नया कानून बना रहे हो तो लोगों के पास सही तरीके से उसका इंफॉर्मेशन दो कि ये कानून कैसे काम करेगा। ज्यादातर लोगों को यही मालूम है कि अगर कैसे भी एक्सीडेंट हो जाए तो 10 साल का जेल और 5 लाख का जरिमाना होगा। लोग इतने दिन से परेशान हो गए, ये जो रूल्स है ये सही तरीके से पुलिस वालों भी नहीं मानते, क्योंकि जो फाइन है वो फाइन कहां लेते, अलग से वो पर्सनल पैसा लेके छोड़ देते हैं इन लोगों को। ना आईन का सही से पालन की जा रही है, ना लोगों को सही से इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और ये नया नया कानून लोगों के ऊपर चाप देते हैं। लोगों को कैसा चाहिए, लोगों को क्या पसंद है, सर गवर्नमेंट इसका कोई फीडबैक ही नहीं लेती, बस हमने ऐसा बना दिया तुम्हारे ऊपर चिपका दिया। ऐसे ही हाल हो गया हमारे इंडिया के। अभी मोदी जी तो अभी व्यस्त है राम मंदिर के उद्घाटन में, और देश की ट्रक ड्राइवर परेशान है, उसमें कोई लेना देना नहीं है उनका, सिर्फ अपने मन की बात सुनाते रहते हैं, लोगों का मन की बात तो सुनते ही नहीं कि देश के लोगों को क्या चाहिए। अभी ये जो ड्राइवर्स ने बंद किए हैं ट्रक तो उसमें बहुत सारे नुकसान भी है, अभी फिर से सब कुछ का दाम बढ़ जाएगी, इसमें अलग से परेशानी चालू होगी क्योंकि सामान का सप्लाई ही बंद हो जाएगा। यही नहीं, मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर ही चिपका दिया, बाकी तुम बाढ़ में जाओ। एक के बाद एक कानून लेके आ रहे, लोगों को पसंद नहीं हो रहे, 1 साल 2 साल तक लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मरते हैं, उसके बाद फिर से ये कानून हटा भी दी जाती है। ऐसा हाल है अभी इंडिया की।